और बात करेंगे पहलवान बजरंग पूनिया की। पहलवान बजरंग पूनिया को तगड़ा झटका लगा है। टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया। पहलवान बजरंग पूनिया को बड़ा झटका लगा है। बजरंग अगले 4 साल तक कुश्ती रिंग में नहीं दिखाई देंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का बैन लगा दिया है। ये बैन एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। बजरंग पूनिया ने 10 मार्च को नेशनल टीम के सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से मना कर दिया था। उनका ये सस्पेंशन 23 अप्रैल 2024 से लागू होगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बजरंग पूनिया ने नाडा की ओर से 4 साल के लिए किए गए सस्पेंशन पर कहा कि हम पहले भी नहीं झुके थे और अब भी नहीं झुकेंगे। मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है ये कि भाई 4 साल का मेरे पे प्रतिबंध, क्योंकि पिछले 1 साल से चल रहा है ये। एक बार इन्हीं के पैनल ने मुझे बाल भी किया है कि भाई आप खेल सकते हैं, और दूसरा चीज अब दोबारा उन्होंने फिर 4 साल का बैन लगाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 1 साल से जो मैंने नाडा में एक्सपायरी किट का जो एक अपील डाली थी कि भाई इसका जवाब मुझे चाहिए, मैंने 4-5 बार मेल भी किया है, लेकिन आज तक मेरे पास उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन मेरे ऊपर 4 साल का बैन जरूर आ गया है। और दूसरी चीज़ जो सरकार करवाना चाह रही है कि भाई हम डर के पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मैं महिला खिलाड़ियों के आंदोलन के साथ खड़ा था, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि देश की बेटियों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे आप मेरे ऊपर 4 साल का बैन लगवाए, चाहे 10 साल का बैन लगवाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज करूंगा। कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, लेकिन कोर्ट में जो पहले ही रिंग हुई थी उसमें यही बोला गया कि भाई एक बार जो पैनल कमेटी एक बार डिसीजन देती है उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। बजरंग पूनिया के सस्पेंशन पर हरियाणा के श्याम सिंह राणा ने कहा है कि मैं भी एथलीट रहा हूं स्कूल में, कोई स्पोर्ट्समैन ये नहीं करता है। नाडा का भी टेस्ट होता है, वो जरूरी है, कार्रवाई होती है तो ठीक ही होती है। उन्होंने कहा कि अगर नहीं होगी तो सब मनमानी करने लगेंगे। देखिए नियम कानून कहते हैं, जो मान ले किसी पे कोई डाउट हो गया भाई इसने कुछ अनफर्मेज यूज किया है, नशा किया है, या तो उसकी वो तसल्ली करे भैया, बोले जी जो जिस तरह की आप मेरे से टेस्ट की टेस्ट कर लो, मेरे से जब कोई इनकार करेगा वो तो स्वयं स्वीकार कर गया। फिर आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की शहबंदी से इस तरह का हो रहा है। देखिए वो तो जो भी लगाए अपने कमी छुपाने के लिए तो किसी को दोष देता ही है। वही सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि नाडा ने बार बार नोटिस दिया सैंपल लेने के लिए, लेकिन पूनिया ने नाडा को कुछ समझा ही नहीं। नाडा ने बार बार नोटिस दिए, उनको सैंपल के लिए बुलाया, वो व्यक्ति किसी एजेंसी को कुछ समझ नहीं रहा। और यदि कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर, सरकार से ऊपर या एजेंसी से ऊपर अपने आप को समझे, उसके खिलाफ एक्शन लेना बनता है, और नाडा ने जो एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। आज देश को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तो निर्णय लेने पड़ेंगे ना। अब यदि वो खिलाड़ी हैं तो उनको सैंपल देना चाहिए। यदि वो कहें कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी स्पेंसर नहीं करूंगा, तो फिर वो लिख के देना। अब वो लिख के देंगे नहीं, सुविधाएं लेना चाहेंगे और एजेंसीज को ठेका दिखाएंगे, तो उसके ऊपर ये निर्णय लिया है एजेंसीज ने, तो मैं इसकी तारीफ करता हूं एजेंसी की, इतना निर्णय लेना पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल सहित अपने करियर में 20 से ज्यादा पदक हासिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।